नमस्कार, मैं हूँ रीटा सनी और मेरे चैनल रीटा इन द किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू लच्छा नमकीन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये नमकीन व्रत में खाई जाती है, स्पेशली नवरात्रों के व्रत में। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। आलू लच्छा बनाने के लिए 3 बड़े साइज़ के आलू अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम हैं, इन्हें पील करके धो लिया है। अब इन्हें ग्रेट करने की ज़रूरत है, तो इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो ये मैंने ग्रेटर लिया है, तो ये जो बड़े छेद वाला ग्रेटर है उस साइड से हम इसे ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। सभी आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है, इसमें पानी डालेंगे। इस पानी को निथारने के लिए हम इन लच्छों को एक स्ट्रेनर में डालेंगे। एक बार और इसे स्ट्रेनर में ही पानी से धो लेंगे। ये ग्रेटेड आलू में बिल्कुल भी स्टार्च नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा आलू लच्छा नमकीन क्रिस्प और करारा नहीं बनेगा। ये ग्रेटेड आलू को अच्छे से स्ट्रेनर में थोड़ा सा दबा करके पानी निकाल देंगे। इसके बाद इसे एक टावल पे हल्का सा सुखा लेंगे। इसमें वाटर कंटेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। ग्रेटेड आलू या आलू के लच्छे, इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर थी वो निकल चुकी है। अब इसे फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसमें तलने के लिए तेल डाला है। तेल मीडियम हाई चाहिए हमें। ये आलू लच्छा डालेंगे। आलू लच्छा ब्राउन हो चुका है, इसे एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेते हैं। दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। सेकेंड बैच भी फ्राई हो चुका है, इसे भी टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। ये मैंने 50 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं, इन्हें भी फ्राई करेंगे। मूंगफली के दाने भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी निकालेंगे। इन्हें हमने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ब्राउन करने से ये कड़वे हो जाएंगे। इसे भी एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालेंगे। बारह 14 काजू, 14 बादाम और 12-15 पीसेस किशमिश के लिए हैं, इन्हें भी हल्का सा फ्राई करेंगे। इन्हें भी निकाल लेंगे। इन सब को एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे। ये फ्राइड मटेरियल को एक बड़े बोल में ट्रांसफर करेंगे। हाफ स्पून सेंधा नमक,
हाफ स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि ये नमकीन व्रत के लिए बनाई जा रही है इसलिए इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर हमने व्रत की जगह आम दिनों में खाना हो तो इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर और अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे मिला देंगे। If you really like my recipe, click the like button, share my recipe with your friends, and to watch my upcoming videos, please subscribe to my channel. Your views matter a lot to me. Thank you.